ये पशुपालक आप सभी जानते हैं गाय भैंस में कृत्रिम गर्भाधान का कार्य हो रहा है, जैसे कि गाय में होलिस्टन फ्रीजियन, जर्सी, साहिवाल, गीर, रेड सिंधी तथा मुख्य विभिन्न नस्लों का भी हो रहा है। परंतु आप में से बहुतों को मालूम नहीं होगा बकरी में भी कृत्रिम गर्भाधान होते हैं। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि बकरी में कैसे कृत्रिम गर्भाधान किए जाते हैं और बारबरी नस्ल की विशेषता के बारे में बताएंगे। जानने के लिए वीडियो पे बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले व नोटिफिकेशन बेल दबा ले। अब हम जानेंगे बकरी में कृत्रिम गर्भाधान कैसे किया जाता है। कृत्रिम गर्भाधान करने के लिए वेजाइनल स्पिकल्म के माध्यम से बकरी का ओस को देखकर एमआई गन से सीमेन डालते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। अब हम जानेंगे किस नस्ल की बकरी पालने में ज्यादा लाभ है। बकरी पालन में बर्बरी व जमुनापारी नस्ल की बकरियां पालना लाभकारी है। पहले हम जानते हैं बर्बरी नस्ल के बारे में। इस नस्ल की बकरियां 1 से 2 लीटर दूध प्रतिदिन देती है व एक बार की व्यात में 3 से 4 बच्चे देती है व वर्ष में 2 बार प्रजनन करती है। इसका पालन पोषण घर पर ही बांध कर आसानी से किया जा सकता है। यह अधिकतर सफेद, भूरी अथवा सफेद रंग में लाल व काले रंग से युक्त होती है। जमुनापारी नस्ल की बकरियों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल का वीडियो देखते रहे। बहुत ही जल्द किस नस्ल की बकरी पालने में ज्यादा लाभ है पार्ट 4 में हम इसे बताएंगे। यदि हमारे चैनल मधुवन पशु सेवा केंद्र पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले व नोटिफिकेशन बेल को दबा ले, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप नई वीडियो देख सके।